दोस्तों बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया और इस बेल आइकन को दबाकर खबरें पाएं सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं सचिन वर्मा और आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। भारत आज भले ही खुद को विकसित देशों की श्रेणी में रख रहा हो, लेकिन देश के ही अंदर कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो पुरानी परंपराओं को दर्शाती हैं। भारत आज जहां विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, लेकिन भारत के ही कुछ गांव ऐसे हैं जहां आज भी सैकड़ों साल पुरानी परंपराएं चल रही हैं। कभी कभी ये परंपराएं ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर और देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के ही गांव की ऐसी कहानी जिसको सुनकर शायद आपको विश्वास नहीं होगा। जी हाँ, हम आपको बताएंगे आज हिमाचल प्रदेश के पीनी गांव की एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की मणिकर्ण घाटी में पीनी गांव स्थित है, जहां आज भी सदियों पुरानी परंपरा कायम है। यही नहीं, इस परंपरा में यहां के लोगों का पूरा विश्वास भी है। कहते हैं कि शादी विवाहों के दौरान महिलाओं का मजाक और पति पत्नी में नोकझोंक एक आम बात होती है, लेकिन इस गांव का मामला बिल्कुल उल्टा है। यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल पीनी गांव में जो रिवाज सदियों से चला आ रहा है, उसमें हर साल पति अपनी पत्नी से 5 दिनों तक बात नहीं करता है। यही नहीं, यहां की महिलाएं साल के 5 दिन बिना कपड़ों के रहती हैं। ये महिलाएं अपना हर काम बिना कपड़ों के ही करती हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि अगर इस गांव की महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं तो कुछ ना कुछ अशुभ जरूर हो जाता है। यहां के लोग 5 दिनों तक शराब को हाथ भी नहीं लगाते हैं। अब आप इस बात को लेकर जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसी कैसी परंपरा है जिसमें साल के 5 दिन बिना कपड़ों के रहना पड़ता है। चलिए आपकी जानकारी के लिए ये पूरा मामला बता देते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जिन दिनों पीनी गांव में राक्षसों का आतंक था, यहाँ लहुआ घोड़ देवता आए थे और राक्षसों का उन्होंने विनाश किया था। भाद्रो संक्रांति को ही काला महीना कहते हैं। तब से ये परंपरा आज तक कायम है और इस गांव की महिलाएं 5 दिन तक निवस्त्र रहती हैं। ये इस गांव की परंपरा सदियों से चलती हुई आ रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को एक्सक्लूसिव खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए।